उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कोर्ट में उसरी चट्टी कांड मामले की सुनवाई चल रही है। करीब 21 साल पहले उसरी चट्टी में पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था। इस मामले में बाहुबली डॉन ब्रिजेश सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से वादी और प्रतिवादी पक्ष को बयान दर्ज कराने के समय में कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। बाहुबली ब्रिजेश सिंह कोर्ट पहुंच गए हैं, वहीं मुख्तार अंसारी के भी कोर्ट में पहुंचने की चर्चा है। उन्हें जौनपुर जेल से गाजीपुर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में बंद किया गया था, लेकिन गुपचुप तरीके से उन्हें जौनपुर जेल शिफ्ट किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। सोमवार की रात उनके जौनपुर जेल शिफ्ट किए जाने की चर्चा है। गाजीपुर कोर्ट में पेशी से पहले पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से कड़ी सुरक्षा और गोपनीय तरीके से जौनपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें उसरी चट्टी कांड गवाही के लिए पेश किया जाना है। मुख्तार को सोमवार की शाम जौनपुर जिला जेल में लाया गया। मंगलवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर कोर्ट लाए जाने की चर्चा है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश पांडे की अदालत में मंगलवार को उसरी चट्टी कांड की सुनवाई होनी है। कोर्ट में पहली बार पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी बतौर गवाह गवाही देंगे। जज के आदेश पर प्रशासन की ओर से मुख्तार की गवाही की व्यवस्था कराई गई है। एसी के लिए कोर्ट का आदेश जारी किए जाने के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने कड़ी सुरक्षा में मुख्तार को गाजीपुर कोर्ट लाने का निर्देश दिया था। डीएमएसपी और जेल अधिकारियों से वार्ता के बाद मुख्तार को कोर्ट में पेश करने पर सहमति बनी। मौसम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दिन पहले ही मुख्तार को जौनपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। अपर मुख्य सचिव गृह के आदेश पर वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर जेल को अलर्ट पर रखा गया। गाजीपुर कोर्ट के फैसले को लेकर हाई कोर्ट में विशेष सुरक्षा की मांग किए जाने वाली मुख्तार अंसारी की अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया।